नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए चलिए सुनते हैं। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहां जल्दी से ले आओ। चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़े। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरी तू सुंभ निसुंभ के पास चल, यद अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्योशर ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लाए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले आओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने पुकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। धर देवी जी का वाहन सिंह भी उपति होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बालों को छटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से मारा तो कुछ को अपने जबड़ों से फाड़ के रख दिया और कई को नीचे पटक पटक कर मारा और कितने दैत्यों को अपने नाखूनों से पेट फाड़ डाले और कई दैत्यों के भुजाएं छिन्न भिन्न कर दी, कई दैत्यों के सिर धड़ से अलग कर दिए। गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का क्षय कर दिया। सुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। झट सुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहां लाओ। उसे सेना लेकर, खींच कर या बांध कर ऐसे भी लेकर यहां आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मारे जाने पर एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र ले आओ। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।